नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को लगभग सभी टाइप हमने उसमें कवर किए हैं। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर है। फोकस करेंगे क्या शॉर्ट मेथड है सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करने का। मूलधन, दर, समय, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है साधारण ब्याज से कि 1000 रुपए पर 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। पहला नोट क्या है इसमें, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, समान रहता है, हमेशा सेम होता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहे तो किसी फिक्स्ड अमाउंट पर जो उसका इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वो हर वर्ष के लिए क्या होगा, समान होगा। दोस्तों, इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और मिश्रधन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है पी प्लस एस आई। तो दोस्तों, इसमें सारा डेटा हमें दिया हुआ है। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए और साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज कहाँ से निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ये हो जाएगा आपका 1000 गुना 10 गुना 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपका कितना आएगा, 300 रुपए। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 1000 और 300, 1300 रुपए। तो दोस्तों, ये है इसका बेसिक अप्रोच, बेसिक फॉर्मूला जिससे हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका पी होगा वो हमेशा क्या होगा, 100%। ठीक है दोस्तों, आपका रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, किस चीज में, परसेंटेज में। और आपका अमाउंट क्या होगा, जो आपका पी आएगा परसेंटेज में प्लस एस आई आएगा परसेंटेज में, वो क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1000 रुपए यानी मूलधन हो गया, 10% साधारण ब्याज की दर से हमें 3 वर्षों का क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, यानी अमाउंट हमसे पूछा है। तो हमें पता है कि हमारा 100% की वैल्यू जो है, पी की बात कर रहे हैं, 100% की वैल्यू जो है वो क्या है, 1000 रुपए है। तो हमारा 1% की वैल्यू कितना आया, 10 रुपए। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा काउंट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई। तो 10 3 30%। अब 1% की वैल्यू क्या है आपकी, 10 है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 300। या हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, अमाउंट, हमें अमाउंट चाहिए। तो 100% हमारा प्रिंसिपल हो गया और इंटरेस्ट कितना होगा, 10% मल्टीप्लाई 3 यानी 30%। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 130%। तो यहां से भी हम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास 1% की वैल्यू है 10, तो 130% की वैल्यू कितनी होगी, 1300। तो यहाँ से क्या आएगा, अमाउंट आएगा। और आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 30% की वैल्यू सिर्फ आप देख लीजिए, ये आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस वाली अप्रोच पे, बेसिक क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है किसी राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 125 रुपए है, तो हमें क्या बताना है, राशि ज्ञात करनी है कि वो राशि थी कितनी। तो हमने देखा शॉर्टकट फॉर्मूले से, जो हमारा एसआई है वो क्या है, टाइम और रेट की मल्टीप्लाई करके जो आता है, यानी कितना आया ये, 25%। और ये दिया हुआ है आपको कितना, 125 रुपए। तो यहां से हम निकालेंगे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 पंजे 125 रुपए। और आपसे क्या पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए, और राशि क्या होता है, मूलधन, और मूलधन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 100%।
तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 500। ये क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले हम इसको बेसिक मेथड से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मतलब कोई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे, जिससे क्या हो रहा है कि कोई राशि थी, मतलब कोई भी आपका मूलधन था, मान लो 1 रुपीज था, 20 वर्षों में टाइम आपको दिया गया है, 20 वर्ष में क्या हो गया, वो 6 गुनी हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन में आता है हो जाती है या इट बिकम्स, इसका मतलब होता है कि आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन दिया हुआ है यानी अमाउंट क्या हो गया, 6 गुना। अगर अभी राशि 1 रुपया है तो कितनी हो गई, वो 6 गुनी हो गई यानी 6 रुपए हो गई। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 6 माइनस 1 5 रुपया। अब हमें बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो इसलिए सर एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है हमारा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 5। पी की वैल्यू क्या है? 1। आर हमें निकालना है, टी अपॉन 100। पी की वैल्यू भी हमें दी हुई है 20। तो 20 पंजे 100 और आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 25%। तो दोस्तों ये था बेसिक मेथड, देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप एक फॉर्मूला इसमें याद रखोगे। फॉर्मूला है n माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू r इंटू टी। ठीक है दोस्तों, n क्या है? n आपकी वो वैल्यू है जो आपका देगा इतनी गुनी हो जाती है, 6 गुनी, 5 गुनी, 4 गुनी, जो भी वैल्यू होगी वो क्या आएगा आपका, n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 6 गुनी हो रही है। तो 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100, r आपसे पूछा है t की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। तो ये हो गया 5 × 100 इज इक्वल टू आर इंटू 20। 20 × 5 = 100 और 5 × 5 = 25%। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट वर्जन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, किस दर से यह राशि उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल के लिए, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपका R2 होगा वो होगा N2 - 1 N1 - 1 R1। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे दोस्तों, क्योंकि इससे इजी ये क्वेश्चन पड़ जाएगा। अब देखते हैं N2 N1 क्या है। सबसे पहले आपको क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 कितना दिया है, 5%। दूसरा आपको दिया है 4 गुनी, यानी N1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 4। कितना करना है हमें इसको, 7 गुना करना है। तो N2 कितना हो गया आपका, 7, और R2 आपसे क्या है पूछा गया है। तो इजी है दोस्तों, 7 - 1 4 - 1 इंटू R1 कितना है दिया है आपको, 5%। तो ये हो जाएगा आपका 6/3 गुना 5, 3 × 6 5 × 10%। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, 800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो राशि 3 साल बाद, तो यह राशि 3 साल बाद कितनी हो जाती, तो राशि 3 साल बाद कितनी हो जाती। ये दोस्तों सीजीएल और सीपीयू का फेवरेट क्वेश्चन है।
मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल में और सीपीयू में। देखते हैं दोस्तों इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, क्योंकि बेसिक से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। हम देख रहे हैं कि 800 रुपए की राशि है और वो कितना हो जा रही है, 920 रुपए हो जा रही है। कितने साल में? 3 साल में। तो हमने देख लिया कि 3 साल में इस पे ब्याज कितना लगा, यानी 3 साल का ऐसा ही कितना हुआ, 120 रुपए। अब क्या होता है, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है, समान रहता है। तो हमने देखा 1 साल का SI कितना होगा, 40 रुपए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, 800 पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 40 रुपए पर ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया आपका, 5%। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला कि यदि ब्याज की दर 3% कम होती, अभी हमारे पास ब्याज की दर कितनी है, 5% है, और अगर हमने इसको 3% कम कर दिया, यानी कितना हो जाएगी, 8-5-3 2% हो, तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती। तो हमें टाइम दिया है कितना, 3 साल बाद पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अब हमारा, 2% है। तो ऐसा ही आपका कितना होता, 3×6% बेसिक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टाइम की और रेट की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। हमारे पास 800 क्या है, 100% की वैल्यू कितनी है, 800। पी जो होता है आपका क्या होता है, 100% होता है। क्वेश्चन में पूछा है कितनी हो जाती, यानी अमाउंट की बात कर रहा है, और अमाउंट क्या होता है, P+SI, यानी 100+6, 106% की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। तो यहां से हमने देखा 100% इज इक्वल टू है 800 रुपए के, तो 1% कितना होगा, 8 रुपए के, और 106% होगा 106×8, 8×8, 8×6, 48, यानी कितने रुपए हो जाती वो राशि, 848 रुपए राशि हो जाती। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी ट्रिक। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए प्लीज वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों, और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।